हमारी धरती पर सबसे बड़ी जीवित चीज कौन सी है, तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा ब्लू व्हेल, जो कि काफी हद तक सही भी है। तो इधर ब्लू व्हेल एक साइज नापने का पैरामीटर होता है और इसके आधार पर अन्य सभी प्राणियों को मेजर किया जाता है। इस वजह से ये सेंस तो बनता ही है कि जब पहली बार किसी ब्लू व्हेल का साइज मेजर किया गया होगा, तब वो आखिर कितना बड़ा होगा। अब तक की रिसर्च में सबसे बड़ी ब्लू व्हेल 1947 में एंटार्क्टिका के दक्षिण महासागर में पाई गई, जिसका वजन 209.4 मिलियन टन था, जो कि लगभग 1,90,400 किलो के बराबर है, जो 104 फैमिली एसयूवी के इक्वल है। इसकी लंबाई 27.6 मीटर के एक छोटे हवाई जहाज के बराबर है और ये अनुमान है कि ये व्हेल 7 फायर ट्रक के बराबर होगा। तो व्हेल्स लगभग 4 करोड़ साल पुराना जीव है, लेकिन अगर पृथ्वी के इतिहास पर नजर डाले, जब बड़े राक्षसी आकार के जानवर पृथ्वी पर रहते थे, तब पेड़ पौधों का आकार भी उस समय बहुत बड़ा होता था और हमारे महासागरों में भी बहुत ही बड़े जीव तैरते थे। उस दौरान डायनासोर का युग था, इन्हें टाइटनोसॉरस भी कह सकते हैं। ये लंबे पैर और छोटे सर के साथ चार पैर वाले शाकाहारी थे। पृथ्वी पर चलने वाले इन डायनासोर्स को सबसे बड़ा माना जाता है और इनका दूसरा नाम है अर्जेंटिनोसॉरस। 1990s के दशक में फॉसिल साइंटिस्ट ने एक डायनासोर की खोज की थी, जिसकी लंबाई 35 मीटर और वजन 70,000 किलोग्राम था। इस फॉसिल ने उस दौरान सभी साइंटिस्टों के होश उड़ा दिए थे। हालांकि 2017 में पैटागोशियन मियारूम की खोज की गई, माना जाता है कि ये टाइटनोसॉरस में से एक कंकाल है, जो कि अर्जेंटिनोसॉरस से भी 10 गुना बड़ा है। भले ही टाइटनोसॉरस व्हेल की तुलना में अधिक लंबा या ऊंचा हो, लेकिन वजन के हिसाब से ये व्हेल से काफी कम है। व्हेल इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ये समुद्र में रहते हैं। जमीन पर जानवरों को 100% ग्रेविटी का सामना करना पड़ता है, जबकि समुद्र में रहने वाले जीवों को कम ग्रेविटी झेलनी पड़ती है, क्योंकि पानी में ग्रेविटेशनल फोर्स काफी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए समुद्री जीव काफी बड़े हो सकते हैं। ब्लू व्हेल इतना बड़ा होता है कि बड़ी ही आसानी से समुद्र तट या जमीन में फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियां पानी के बाहर अपने ही शरीर का वजन नहीं उठा पाता और अक्सर अपने ही वजन के कारण मारे जाते हैं। भले ही ब्लू व्हेल पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जानवर ना हो और डायनासोर से ज्यादा वजन हो, फिर भी यह दुनिया का सबसे बड़ा जीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आखिर बड़े से आपका क्या मतलब है। जैसे रेडवुड ट्री को दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है, जो कैलिफोर्निया में पाया गया है। इसे हाइपेरियन भी कहते हैं। इसकी लंबाई 115 मीटर है, जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लंबाई सिर्फ 95 मीटर ही है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी चीजों में से सबसे अलग ऑर्गेनिज्म एक फंगी या फंगस है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे होमोजीनियस फंगस या हनी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। ये अमरीका के एक नेशनल फॉरेस्ट में पाया गया है, जो कि 2385 एकड़ जमीन को घेरे हुए है। यहाँ पेड़ों के आसपास इन हनी मशरूम के गुच्छे दिखाई देते हैं। ये किसी फ्रूट की तरह होते हैं, जो कि इस फंगी द्वारा निर्मित होता है, और ये फंगी जमीन के अंदर छुपा होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि सेब के पेड़ जमीन के अंदर बढ़े और केवल सेब हमें दिखाई दे। सेम इसी तरह ये फंगी जमीन के अंदर बढ़ता रहता है। ये फंगी अपने जड़ों को केवल मिट्टी के माध्यम से ही नहीं, बल्कि दूसरे पेड़ों के तनों और जड़ों के द्वारा फैलाता है और दूसरे पेड़ों से पोषक तत्वों को चुराता है, ताकि ये अपनी ग्रोथ को जारी रख सके। हालांकि ये भी अभी तक पाए जाने वाले सबसे बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। धरती पर मौजूद सबसे बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म का खिताब एक विशालाकार पांडा को जाता है, लेकिन ये कोई सचमुच का पांडा नहीं है। ये दरअसल पांडो नामक एक पेड़ है। इसे एस्पिन ट्री भी कहा जाता है। ये 6000 टन वजन का है, जो कि 40 ब्लू व्हेल के बराबर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये फिश लेक नेशनल फॉरेस्ट में पाया गया है। हालांकि ये एक बड़ा ट्री ट्रंक है। यहाँ पर इक्वल आकार के पेड़ों का एक जंगल है, लेकिन एक जेनेटिक टेस्टिंग के बाद ये बात सामने आई कि ये एक ही एस्पिन का पेड़ है, और जेनेटिक क्लोनिंग के कारण इसने 106 एकड़ जमीन को घेर रखा है और सिर्फ एक बीज के फलस्वरूप ये जंगल उत्पन्न हुआ है। रिसर्च के बाद ये बात भी सामने आई कि ये अपनी जड़ों को फैलाता है और ये जड़ें अलग अलग पेड़ों तक पोषक तत्वों को भी पहुंचा सकता है। इस जंगल में इन पेड़ों की कुल संख्या 47,000 है और इनकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जंगल दूसरे जंगलों से काफी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, पूरा जंगल सर्दियों के मौसम से लेकर वसंत ऋतु तक एक साथ बदलता है और जड़ों के विशाल नेटवर्क या ब्रांचेस का उपयोग करके हर एक पेड़ तक पानी और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। पांडो और होमोजीनियस फंगस का वजन करते समय अगर पानी को इंक्लूड किया जाए, तो आसानी से फंगस का वजन ज्यादा होगा।
क्योंकि फंगस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो 92% पानी को कैरी करता है, जबकि पांडों में सिर्फ 50% ही पानी होता है, लेकिन जंगलों में सिर्फ ड्राई मास का वेट काउंट किया जाता है। इसीलिए फंगस 92% पानी कैरी करने के बावजूद पांडो या एस्पिन ट्री को सबसे भारी माना जाता है, क्योंकि पानी के बिना उसका वजन फंगी से ज्यादा होता है। इसीलिए पांडो या एस्पिन ट्री सबसे भारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार एस्पिन ट्री और ह्यूमनजिस फंगस दोनों ही पृथ्वी पर पाए गए सबसे बड़े जीव है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार एस्पिन ट्री दुनिया में पाया गया सबसे बड़ा पेड़ और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि ह्यूमंगस फंगस या हनी मशरूम को सबसे बड़ा फंगी माना जाता है। लेकिन समय के साथ ह्यूमंगस फंगस और एस्पिन ट्री की जड़ें कमजोर हो जाएगी, जिससे अनुवंशिक रूप से भी ये काफी कमजोर हो जाएगा, और हो सकता है तब तक हमारे रिसर्चर्स किसी अन्य जीव को ढूंढ लें जो कि इनसे भी बड़ा हो। तो आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में हमें इनसे भी बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म का खोज मिलेगा या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।